हेलो गाइस, नमस्ते फ्रेंड्स। जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल रहा होगा, लाइफ ऑफ सोल्जर वाइफ। तो मैं एक सोल्जर की वाइफ हूँ। मैं अपना डेली लाइफ कैसे मैनेज करती हूँ, ये चीज़ मैं अपने आने वाले ब्लॉग्स में शेयर करूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा सपोर्ट करें। और मैं अपने आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी कैसे कैसे हम अपने डेली लाइफ को मैनेज करते हैं। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मॉर्निंग का टाइम है इस समय, ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह मंकी बैठे रहते हैं, यहाँ से वहाँ करते रहते हैं और हल्की हल्की बारिश की बूंदें हो रही हैं और ये ग्रीनरी देख के हैप्पी हो जाता है मन। सुबह सुबह जब आंखें खुलती हैं और ऐसे हरा भरा जैसे दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है ग्रीनरी ग्रीनरी देख कर। यहाँ का ये व्यू मुझे बहुत पसंद है। एंजॉय करिए इस टाइम को। चलिए चाय बनाते हैं। मॉर्निंग के टाइम में हल्की हल्की बारिश में चाय पीने का मजा कुछ और है फ्रेंड्स। तब तक मैं चाय बनाती हूँ, तब तक आप आगे की वीडियो को एंजॉय करिए। ये हमारी चाय बन चुकी है, अब हम बाहर बैठ के पियेंगे। उसके बाद घर का झाड़ू पोछा वगैरह सब करना है। चलिए मॉपिंग वगैरह शुरू करते हैं। ये मेरा छोटा सा किचन है। मेरे किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, जो स्पेस बनाई गई है वो मैंने खुद बनाई है। कहते हैं ना, घर की औरतें जुगाड़ू होती हैं, बस उसी तरह मैंने भी जुगाड़ लगा के बना दिया है स्पेस। करेला मसाला बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं डीप फ्राई के लिए ऑयल डाल रही हूँ। हमने बॉईल करके करेले का बीज जो होता है बीच में स्टफिंग के लिए हमने निकाल लिया है। इस टाइप से हमने करेले को छोटे से चम्मच के ला इस तरह से हमने चम्मच से सारे इसके मसाले निकाल दिए गए हैं। ये मैंने बारीक टमाटर और लहसुन काटा है, चॉप किया है, और ये है प्याज। ऑयल गरम हो चुका है, इसको हमें करना है डीप फ्राई। हम चारों तरफ से घुमाव मार के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया। इसी तरह हम सारे करेले को निकाल लेंगे। हमने सारे करेले को फ्राई कर लिया है, अब हमें प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनना है 2 से 3 मिनट।
नमक ऐड कर रही हूँ, जैसा कि 1 से 2 मिनट में ये एकदम गुलाबी हो जाते हैं। प्याज हमारा भून जाने के बाद हम करेले के बीज को डाल देंगे, इसे भी इसके साथ ही थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे। मेरी लाइट चली गई थी इसलिए मुझे टॉर्च जलाना पड़ा था। साथ ही मैं मूंगफली को एक साइड रोस्ट कर रही हूँ, इसके मसाले में डालने के लिए बहुत टेस्टी लगता है। इस बीच मैंने यहाँ पे मूंगफली को थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, इस तरह से छोटे से चम्मच से आराम से स्टफिंग कर देंगे। इस तरह से हमने सारे करेले को भर लिया है, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में, आप भी जरूर बनाइएगा।